बिकॉज आप में से बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होंगे या बहुत सारे ऐसे क्रिएटर होंगे जो कि अपने वीडियोस को अपलोड करते हैं और उसे तुरंत पब्लिश कर देते हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम नहीं करते हैं टैग। अगर आप लोग टैग लगाते हो तो वो अच्छे तरीके से नहीं लगाते, एंड अगर लगाते भी हो तो वो सही तरीका वाला लगाने का स्टेप नहीं होता है। तो गाइस आप लोगों को आज का वीडियो में बताने वाला हूँ किस प्रकार से टैग लगाया जाए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि टैग कहाँ से लाया जाए और टैग कहाँ पर जाके लगा जाए, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में जितने भी टैग लगाता हूँ सभी के सभी वायरल टैग रहते हैं, सभी के सभी ग्रीन टैग रहते हैं जो कि 72 73 सभी यूट्यूब पर सर्च किए हुए टैग रहते हैं। तो गाइस आप लोगों को वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा, तभी आप लोग अच्छे अपने वीडियोस पे इस प्रकार से टैग लगा पाओगे। वायरल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड आप लोगों को फोन की स्क्रीन पर ले जाता है। आपको टैग लगाने के लिए नॉर्मल से क्या करना है, आपको वीडियो आई क्यू नॉर्मल से डाउनलोड करना है, वहीं पर आप लोगों को वायरल टैग मिलेगा, एंड वहीं पर आप लोगों को लगाना किस प्रकार से आप लोगों में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको फोन की स्क्रीन पर लेके चलते हैं। तो गाइस आपको टैग्स को जानने से पहले आगे नॉर्मल से आप लोगों को एक यूट्यूब में वीडियोस को अपलोड करना, जिस वीडियो में आप लोग टैग को लगाना चाहते हैं उस वीडियो को नॉर्मल सा अपलोड कर लेना। चलिए तो यहाँ पर एक वीडियोस को मैंने पहले से अब यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, एंड आपको मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार से टैग को कहाँ से पता करें एंड टैग कहाँ से लगाया जाए ताकि आपका वीडियोस वायरल हो। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले टाइटल ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमारा टाइटल होगा वीडियो के अकॉर्डिंग होगा, तो उसको आप वीडियो के अकॉर्डिंग पहले यहाँ ये काम भी कर लेना, टाइटल को लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग लगा लेते हैं टाइटल को। तो टाइटल लिखने के बाद नॉर्मल से आपको टाइटल को कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको इस नॉर्मल से कॉपी करते हैं एंड इसको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और आपको ये काम करने के बाद आपको नॉर्मल सा वीडियो को अपलोड कर देना, ठीक है। और आपको अपलोड करने से पहले यहाँ पर अनलिस्ट भी रखना है, ठीक है। इसके बाद ऑडियंस को नो इट्स नॉट मेड फॉर किड को सिलेक्ट रखना है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर करने के बाद आपको नॉर्मल सा वीडियो को अपलोड कर देना है। अब चलिए आपको मैं बताता हूँ कि टैग को कहाँ से पता करें एंड टैग कहाँ से लगाया जाए वायरल। तो गाइस वीडियो अपलोड होने के बाद आपको नॉर्मल सा YTS स्टूडियो पे चले जाना, ठीक है। और जो वीडियो आपने अपलोड किया होगा वो नॉर्मल से यहाँ पे आपका कंटेंट में यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नॉर्मल से करना है कि इस वीडियो पे क्लिक करना, ठीक है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको नॉर्मल सा पेल्सिन के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। राइट, आपको यहाँ पर इस प्रकार से करना है। एंड अब आपको यहाँ पर करना है सबसे इम्पोर्टेंट काम, सीओ कैसे करें, मतलब जो हमारा एक कॉपी एंड टाइटल इसको कॉपी। तो गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको नॉर्मल से यहाँ पर टैग पे पेस्ट करना है, टैग पे वैसे ही नहीं पेस्ट करना, आपको यहाँ पर अपने हिसाब से देखना है कि कौन सा मेरा एक टैग या एक टाइटल बन रहा। तो यहाँ पर सीयू कैसे करें इन हिंदी, ये हमारा एक टैग बन रहा। इस प्रकार से हमको सभी को कट कर देंगे ना, और आपको बस वो कीवर्ड ही यहाँ पर इस प्रकार से टैग लगा देना, ठीक है। अब फिर पेस्ट करना जो आपने कॉपी पहले से किया है उसको नॉर्मल से यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद फिर से उसी प्रकार से जो मैंने पहले से काटा था उसको हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि उसको मैंने पहले लगा रखा है, उसको हटा देंगे एंड सेकेंड वाला हम नॉर्मल से यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो इसको भी इस प्रकार से हम यहाँ पर नीचे से यहाँ से इस प्रकार से कट कर देंगे ताकि ये हमारा इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कट हो गया। एंड अपने वीडियोस पे सीओ कैसे करें, तो ये हमारा दो कीवर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इस प्रकार से यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो पहले लगा लिए थे दो ऊपर वाला कीवर्ड उसको हटा देना है, एंड लास्ट वाला आप लोगों को लास्ट कीवर्ड लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर सीओ फॉर यूट्यूब चैनल हो जाता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ का तीन कीवर्ड हो गया, तीन टैग्स हो गया, जो कि एक टाइटल में जो कि डिस्क्रिप्शन में एंड टैग में भी, मतलब तीनों में सेम जगह। अब आपको यहाँ पर करना क्या, आपको पेल्सिन के आइकन पे क्लिक करना है एंड थंबनेल पे क्लिक करने के बाद आपको इतना अपना थंबनेल ले लेना, जो थंबनेल आपने बना के रेडी करके रखा तो उसको आपने इस प्रकार से ले लेना है एंड आपको यहाँ पर सेव करना है। आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आपको अनलिस्ट में रखना, पब्लिक नहीं करना है। सेव करने के बाद सेव होने दीजिएगा इसे अच्छी तरीके से, एंड आगे का प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला जिसके लिए आज ये वीडियो बना है कि टैग कैसे पता करें एंड टैग कहाँ से लाए, टैग कहाँ से लगाए, ठीक है। तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट यही होने वाला कि अभी आगे का प्रोसेस जो होने वाला, तो आपको इस प्रकार से ये वीडियो को सेव होने देना और नॉर्मल से भी इसे कट कर देना, ठीक है। कट करने के बाद आपको नॉर्मल से क्या करना है, वीड आई क्यू डाउनलोड कर लेना अगर आपके फोन में तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लेके उसे लॉगिन कर लीजिए अपने ईमेल से, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नॉर्मल से वीड आई क्यू डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आगे का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, आपको यहाँ पर हल्का सा वेट करना है एंड आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ डेली आइडियाज, डेली आइडियाज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको खुद YouTube बताएगा, खुद वीडियो आई क्यू बताएगा कि आप किस इस प्रकार से वीडियोस को बनाओ एंड आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो होगा, मतलब ये डेली तीन आइडिया आपको देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिसर्च,
अगर आप लोग चाहते हो कि कौन सा कीवर्ड अभी हाई लिस्ट में चल रहा है, आप लोग यहाँ पर सर्च मार सकते हो, तो ये आपको बता देगा कि कौन सा कीवर्ड बहुत ही ज्यादा हाई लेवल में या बहुत लो लेवल में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा ऑप्शन आ जाए ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज पे जाओगे एंड जो वीडियो आपने अपलोड किया रहेगा उस वीडियो पे इस प्रकार से क्लिक करोगे। आप लोग जैसे इस प्रकार से आप लोग वीडियो को क्लिक करोगे तो आपको हल्का यहाँ वेट करना एंड आपको हल्का से नीचे स्क्रॉल करना। आप लोग यहाँ पर जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड कीवर्ड्स, यहाँ पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है और किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं। आपको वीडियो बनाना है, आपको वीडियो बनाना है एंड आपको नॉर्मल से इसको ओपन करना है। जैसे आप लोग ओपन करोगे और अपने वीडियो को सेव करोगे तो ये ऑटोमेटिकली 100% वायरल कीवर्ड लाके आपको दे देगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दो नॉर्मल वाला कीवर्ड दिया, लेकिन जो मेरा सबसे ऊपर में है यूट्यूब सीओ जो कि 74 इतना हाई लेवल का जो सर्च है वो ऑटोमेटिकली लग दिया है। अब इसको आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जाते क्रोम पे जाते वहां पे जाते वहां से आप लोग करते, लेकिन यहाँ ऑटोमेटिकली लग दिया। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको इन सभी प्लस पे क्लिक करते रहना, ठीक है। क्लिक करते करते आप लोगों को सबको पब्लिक करते जाना, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को नॉर्मल सा पब्लिक करते रहना, मतलब जितना कीवर्ड लग रहा है उसको पब्लिक कर देना, ठीक है। ये ना कि मतलब कि नहीं पब्लिक करना, पब्लिक करते जाना, ठीक है। यहाँ पर पब्लिश चेंज टू योर वीडियोस, इस प्रकार से आप लोगों को नॉर्मल सा करते जाना, ठीक है। यूट्यूब सीओ टूल्स यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं उन सभी को इस प्रकार से अगर आप लोग करते रहोगे तो आपका इस प्रकार से आगे का बढ़ते रहेगा। आपको यहाँ पर मेन चीज याद रखना है कि जो आपका कीवर्ड रहेगा वो आपका 100% नहीं करना है। यहाँ पर सीओ स्कोर जो दिख रहा है वो मात्र 46 ही लगाना है, उससे ज्यादा नहीं लगाना है। अगर उससे ज्यादा लगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे कि मैंने 48 लगाते उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप लोग चाहो तो ज्यादा भी लगा सकते हो कम भी लगा सकते हो, लेकिन जब तक आगा लग रखिए हमारा ये यहाँ पर लिमिट खत्म हो गया। यहाँ पर अगर आपका लिमिट खत्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बता देगा किस प्रकार से मतलब कि आपका लिमिट खत्म हो गया एंड आप यूट्यूब में इस प्रकार से यहाँ पर और टैग नहीं लगा सकते। तो ये यहाँ पर किसी पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एनेबल टू बैड टैग्स, यहाँ पर इतने सारे मतलब टैग लग गए तो आगे का टैग नहीं लगाने देगा, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से ये लास्ट टैग हमारा लग चुका है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं हमारा इतना सारा टैग लगा जिसमें कि मेरा 1 2 3 4 वायरल टैग लगा, बाकी बस इतने नॉर्मल टैग है, कोई बात की बात है, लेकिन जो चार टैग है 74 70 65 इतने हाई लेवल के जो टैग लगे ना, इस प्रकार से आप यहीं से अपने वीडियोस को लाओ एंड अपने वीडियोस पे वायरल टैग लगाओ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ और खुद IQ आपको रिकमेंडेड कर रहा है वायरल टैग, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल को वायरल करने के लिए, अपने वीडियोस को वायरल करने के लिए। तो आपको इस प्रकार से लगा लेना है, नॉर्मल से आपको बैक आ जाना, ठीक है। बैक आने के बाद आपको फिर से आपको YTS स्टूडियो को ओपन कर लेना। अब YTS स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको नॉर्मल से फिर से रिफ्रेश मारना, ठीक है। रिफ्रेश मारने के बाद आपको फिर से यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो आगे का कुछ इंटरफेस खुलेगा। ये जो मेरा नेटवर्क अभी स्लो चल रहा था इसलिए हल्का वेट हो रहा है, ठीक है। आगे फिर यही खुल जाएगा एंड आपको फिर यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप लोग टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरा इतना सारा टैग लग चुका है। हमने यहाँ पर बस 3 ही कीवर्ड लगाए थे टेक्स्ट वाला, ठीक है, लेकिन वहां पर मैंने विद IQ पे जाके वायरल टैग वहां पर खुद रिकमेंडेड किया और वहां से मैंने लगाया, तो देख सकते मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ वायरल टैग लग चुका है, ठीक है। आप लोग किसी प्रकार से मतलब वायरल टैग लगा सकते हैं एंड वायरल टैग आपको किसी से कुछ नहीं, वहां पर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आप लोग को बस विद IQ आपको चलाना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो आपको किस प्रकार से विद IQ ऐप चलाना है, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताते हैं लेकिन बहुत आसान तरीका नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं एंड खुल के सारा डिटेल्स आपको बताने वाला हूं, अपना हर चीज आपको दिखाने के लिए रेडी हूं, ठीक है। इस प्रकार से आप वायरल टैग्स पता कर सकते हो एंड अपने वायरल टैग को अपने वीडियोस में वहीं से लगा सकते हो जहां पर आपका वायरल टैग मिलेगा। अब आपको आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही है किस प्रकार से वीडियो अपलोड किया था, ऑलरेडी बना रखा है, उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा।